हेलो एवरीवन, मैं हूं वैष्णवी और मैं हूं राहुल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर एंड टुडे इज 13th ऑफ मार्च। सो हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे और हमने सोचा कि क्या करें, सो वी डिसाइडेड लेट्स ट्रैवल व्हिच इज आवर फेवरेट पास टाइम। सो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने एक प्लेस डिसाइड की है, चकराता व्हिच इज इन उत्तराखंड। और हमने क्यों डिसाइड किया? Because it's just 6 to 7 hours drive away from Delhi. और अभी हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है क्योंकि हमें कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। बहुत सारी नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है क्योंकि हम सिर्फ दो दिनों के लिए जा रहे हैं, सैटरडे और संडे। ओके या सो टिल देन लेट्स टेक अ लीव एंड स्टे कनेक्टेड। बाय। स्नोफॉल हो रही है देवबंद में, तो ज्यादा दूर नहीं है शायद, कितना है यहाँ से? 9 किलोमीटर। ओके, तो हम लोग अभी हमने होटल लिया है यहाँ पे सिडार होम्स, जो कि यहाँ पे मेन मार्केट में है, और हम अभी फ्रेश होके आगे देवबंद जा रहे हैं स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने एंड वी आर गोइंग टू टाइगर फॉल्स। अभी कितना 10 बज रहे हैं, अराउंड 10। यस, सो अभी हम देवबंद जाएंगे और फिर उसके बाद टाइगर फॉल्स जाएंगे एंड वन मोर प्लेस चिलमेरी टॉप, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, लेकिन टाइगर फॉल्स जो है वो बहुत ऑसम प्लेस है। इसके अलावा स्नोफॉल एक्सपीरियंस करेंगे और चिलमेरी टॉप जाएंगे। सी यू सून। गाइस, अभी टाइम हो रहा है कितना, 1 अराउंड 1, और हम टाइगर फॉल आए हैं। टाइगर फॉल के लिए ट्रैक कर रहे हैं, छोटा सा ट्रैक है, गाड़ी आती है नीचे तक, नीचे मतलब चक्राता से 21 किलोमीटर नीचे है, ये गाड़ी पूरी नीचे तक आती है और आपको 50-100 मीटर का ट्रैक करना है ट्रैक से, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो जो बंदे गाड़ी से या बाइक से आते हैं वो यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, प्रॉपर पेड पार्किंग है। ठंड हो रही है ना? ठंड हो रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है और शायद हाँ, इसे टाइगर फॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे टाइगर नहाते थे, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है, जो ये साउंड है इसकी साउंड जो इसकी आवाज़ है वो बिल्कुल टाइगर जैसे रोर करता है वैसे है, ऐसा लोगों ने कहा है, बाकी तो देखने पर चलेगा। हो सकता है झूठ बोल रहे हो लोग, बट अभी हम देखते हैं, फिर देख के बताते हैं आपको। और ये नहीं है टाइगर फॉल ये है टाइगर फॉल, ह्यूज फॉल। मैंने नहीं देखा ऐसा फॉल कभी। ओ भाई, बहुत ही सही यार। अभी तो तुम्हें वाटर लेवल जो है ज़्यादा है, आप वहाँ नहा भी सकते हैं, बट
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइम पे कोई अच्छा भी होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं चिलमिरी सनसेट पॉइंट। राइट, चिलमिरी सनसेट पॉइंट, और ये चक्राता से 3 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग थी, बट अगर आप आ रहे हो तो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ खुला मैदान सा है ये, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच इससे। यहाँ पे वैसे ऐसे ही होते हैं शायद सनसेट पॉइंट्स, तो यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है, तो मैं आपको बैक कैमरे में दिखाती हूँ। तो ये बैक व्यू है, ये एक्चुअल व्यू है पूरा, आप देख सकते हो वहाँ पे कहीं सनसेट होगा। सो या दिस इज इट, अभी हम सनसेट का वेट करेंगे और देखते हैं। तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, हाँ। सो लेट्स वेट फॉर सम अमेजिंग क्लिक्स और स्टे ट्यून्ड, आपको वीडियो पे देखी जाएगी।